गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई और बाकी बोर्ड्स के लिए केमिस्ट्री 2024 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनसे आपको मिलेगी फुल मार्क्स। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि बाकी जैसे चैनल पे घंटे भर चिल्लाते हैं और क्वेश्चन एक नहीं सॉल्व करते, मैं भी उसी तरह पढ़ाऊं, पर बाद में रिकॉर्डिंग करने के बाद में लगता है ये अपने बस की बात नहीं है, अपन तो सिर्फ पढ़ा ही सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड है पीटी EN twice और Cl2, इसमें प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। तो हमें प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर हमने x ज्यूम कर ली, EN2 है और एक EN की जीरो है, एक EN की जीरो है प्लस इसमें 2 Cl है और एक Cl की -1 है, ओवरऑल जीरो है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो प्लेटिनियम की इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो ये है कि कोई मेटल से जितने लिगेंड अटैच्ड है, किसी मेटल से जितने लिगेंड्स अटैच होते हैं उसे उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। पर ये डेफिनेशन हमेशा काम नहीं करती है, इसके बजाय डेफिनेशन ये ज़्यादा अच्छी है कि मेटल जितने लोन पे रिसेप्ट करता है उसे उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर पीटी ने कितने लोन पे रिसेप्ट किए। ये EN जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक EN 2 लोन पेयर देगा और 2 EN है तो 2 × 2 = 4 हो गए। यहाँ 2 क्लोरीन है और दोनों ही मोनोडेंटेड है, तो कुल मेटल को 6 लोन पेयर मिले और 6 लोन पेयर मिले तो इस प्लेटिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। तो आधे आधे मार्क के दोनों क्वेश्चन है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है और वो ऑर्गेनिक से लिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि क्लोरोबेंजीन और बेंजिल क्लोराइड में से किसका जलीय अपघटन जल्दी होगा, कौन एक्वस मीडियम में जल्दी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। ये एनसीईआरटी अल्काइल हैलाइड के बैक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम दोनों की स्ट्रक्चर बना लेते और हमने दोनों की स्ट्रक्चर ये बना ली। मैं कई बार पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ये लाइन सीबीएसई और नीट के हर एग्जाम में कम से कम एक बार तो जरूर आती है कि अगर हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो एग्जाम में सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और हम इस सीएल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब आई टेक्निकल बात, जब हम इस सीएल को हटाएंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जब यहां से हटाएंगे तो ये फिनाइल कार्बोकैटायन बन जाएगा। बेंजाइल कार्बोकैटायन फिनाइल कार्बोकैटायन से लाखों गुना ज्यादा स्टेबल है, इवन फिनाइल कार्बोकैटायन मिथाइल कार्बोकैटायन से भी ज्यादा लेस स्टेबल होता है फिनाइल। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी फिनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से कई टाइम्स ज्यादा है, इसलिए बेंजाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस क्लोरोबेंजीन के कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएगी। हम चलेंगे फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताओ। तो आईयूपीएसी नेम बताने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी और जब हम इसकी नंबरिंग देखेंगे तो हमें एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और OH पास में आना चाहिए,
तो इसकी नंबरिंग मोस्ट यहां से शुरू होगी। दो मिनट में करते हैं। तो इसकी जो नंबरिंग है वो यहां से शुरू होगी। ये वन कार्बन है और ये वाला कार्बन टू हो जाएगा और ये थ्री। अब हम ऊपर CH3 की तरफ जाएंगे तो ये फोर हो जाएगा, ये भी फोर हो जाएगा। लेकिन जब हम C2H5 की तरफ जाएंगे तो ये फोर और फाइव हो जाएगा। तो अब जो थ्री कार्बन पे दो ग्रुप अटैच है, मिथाइल और मिथाइल, वो साइड चेन में आ जाएंगे। और जब ये साइड चेन में आ जाएंगे तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3-3 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल। तो इसका नेम क्या होगा? इसका नेम हो जाएगा 3-3 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल या पेंटेनटोल। आसान है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो हम देखेंगे फिर एक नया क्वेश्चन जो हमारे सामने, क्वेश्चन में सॉल्यूशन चैप्टर से लिया हुआ है और बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। वो कहता है कि जब हमने 60 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी हो जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाएगा। न्यूमेरिकल करने का सबसे पहला फंडा ये है कि क्या आपको उसका फॉर्मूला आता है, और अगर फॉर्मूला नहीं आता तो भैया न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं। ये न्यूमेरिकल फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई Kf into W into 1000 divided by molar mass of solute or weight of solvent। क्योंकि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसके I की वैल्यू 1 हो जाएगी। और सॉल्वेंट वाटर है, तो जब भी सॉल्वेंट वाटर होता है तो इसकी वैल्यू 1.86 होती है, जो क्वेश्चन पेपर में आपको दी होगी, टेंशन करने की जरूरत नहीं। W में 60 ग्राम ग्लूकोज है, 1000 में हम कुछ कर नहीं सकते। ग्लूकोज का मोलर मास 180 हो जाएगा और सॉल्वेंट का वेट 250 हो जाएगा। अब बचा क्या? अब हमें कुल मिलाकर इसको डिवाइड करना है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा करीब करीब इसकी जो वैल्यू है वो 2.48 केल्विन के आसपास आएगी। तो इसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2.48 केल्विन हो जाएगा। तो अगर वो हमसे डिप्रेशन पूछ रहा है तो ये आंसर हो गया, लेकिन वो हमसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हम इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे TF is equal to TI minus TS। TF की वैल्यू 2.48 है, TI होता है 273 और TS निकालने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट करना बाकी है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो करीब करीब 270 के आसपास होगा, और डिवीजन में आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जो काइनेटिक्स चैप्टर से लिया हुआ, जो काइनेटिक चैप्टर से लिया हुआ है, और हमारी इक्वेशन दी हुई है N2O5 की रिएक्शन कराई, उसको हीट किया तो वो डिकम्पोज होके 4NO2 और O2 में कन्वर्ट हो गई। इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि N2O5 का ऑर्डर 1 होता है। क्लियर? हम चलते हैं आगे देखने के लिए एक नया क्वेश्चन और यह इसका सॉल्यूशन। तो जो 2N2O5 है वो डिकम्पोज हो जाता है 4NO2 और O2। अब इस क्वेश्चन को हम करें कैसे?
तो ध्यान से देखना जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो 1/2 dN2O5 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1/4 dNO2 डिवाइडेड बाय dt, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो कैसे करते हैं, जितने मोल दिए हो उससे डिवाइड कर देते। अब टेक्निकल बात क्या है, ये जो पूरा पार्ट है ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा पार्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें से जो ये वाला पार्ट है ये रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और हमें निकालनी है N2O5 की डिसअपीयरेंस रेट, तो हमें उसमें से इस 1/2 को हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस 2 को यहां लिख दिया या दोनों पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किया तो 1/2 आ गया। अब NO2 की जो फॉर्मेशन रेट है वो है 2.8, तो 1/2 इंटू 2.8 इंटू 10^-3, तो जस्ट हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10^-3। इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन देखकर भी कर सकते थे। यहां से हमने देखा जब 2 मोल्स डिकम्पोज होते हैं तो ये 4 मोल्स बनता है, मतलब N2O5 NO2 से हमेशा आधा टूटेगा और NO2 हमेशा डबल बनेगा। तो इसकी फॉर्मेशन की रेट है 2.8 मोल्स पर लीटर, इसका मींस हुआ कि N2O5 आधा टूटेगा, तो 2.8 का आधा होता है 1.4। तो हमने काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन कर लिया है जो 2 मार्क्स। हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑर्गेनिक से लिख लिया हो और हमें एथेनॉल को प्रोपेनॉन में कन्वर्ट करना है, हमें एथेनॉल को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरीके से एथेनॉल को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं देखते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है और आपको हमेशा याद रखना है कि एल्डिहाइड कीटोन से जब हम अल्कोहल बनाते हैं और कार्बन एटम इंक्रीज करना हो तो सबसे अच्छा रिजेंट होता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट, तो इसको हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए हमें घर से 2 छोटी छोटी बातों को याद रखना है और वो 2 छोटी छोटी बातें क्या है, पहली छोटी बात ये है कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ में प्राइमरी अल्कोहल, बाकी सारे एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर। तो हमें यहां पर कीटोन बनाना है तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमारे पास है CH3CHO और जब मैंने इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिजेंट से कराई और साथ में ही हाइड्रोलिसिस लिख ली, ग्रिग्नार्ड का कोई भी प्रोडक्ट बिना हाइड्रोलिसिस के बनता ही नहीं है, ग्रिग्नार्ड का कोई भी प्रोडक्ट बिना हाइड्रोलिसिस के नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखना, ये प्लस होता है ये माइनस, ग्रिग्नार्ड में ये नेगेटिव और ये प्लस। अब प्रोडक्ट सॉल्ट में कैसे बनाते हैं, बीच में से डिवाइड करो, इससे तो CH3 जोड़ दो और ये वाला जो हाइड्रोलिसिस से एच है वो यहां आ जाए, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH3CHOH, कार्बन एक बढ़ गया है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाने में हमें 2 कार्बन बढ़ाने होते तो हम यहां पर एथेनॉल इथाइल ग्रुप ले सकते थे। अब मैंने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया CrO3 मतलब PCC वगैरह से, PCC प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है।